दिस इज़ अमारा चौधरी. सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी पॉजिटिविटी जो है वो शो की. आई एम ट्रूली थैंकफुल. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आज की ये YouTube वीडियो बनाने का मकसद. ये YouTube वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे ढेर सारे मैसेज किए थे Instagram के ऊपर कि कमर्शियल पायलट वो भी बनना चाहते हैं और मैं उन्हें गाइड करूं कि वो किस तरह से कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं. तो आज इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी, देन हम करेंगे सिक्योरिटी क्लियरेंस, देन हम करेंगे SPL, PPL, CPL एंड देन टोटल कॉस्ट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी मेडिकल की. मेडिकल के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आप कोई भी फ्लाइंग स्कूल देखें, आप फ्लाइंग स्कूल विज़िट करें, वो आपको एक लेटर इशू करेंगे जिसकी बेस पर आप अपना मेडिकल जो है वो करवा सकते हैं. मैं चूँकि यहाँ पर लाहौर में हूँ तो मैंने यहाँ पर एयर ईगल एविएशन जो है उसे चूज़ किया. मैंने वहाँ से लेटर लिया, देन मेरा जो सारा मेडिकल था वो हुआ CMH में. और आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 20 टेस्ट होते हैं डिफरेंट, जो कि आपको CMH से करवाने होते हैं. अच्छा, इसमें मैं पहले कॉस्ट भी मेंशन कर दूं. आपकी जो आपकी टोटल कॉस्ट है मेडिकल पे वो ऑलमोस्ट होती है 40,000 से 45,000 के बीच में. और इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा लेंथी टेस्ट होता है वो आपकी जो साइकेट्रिक इवेलुएशन होती है वो थोड़ा लेंथी होता है. तो उसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि आप वहाँ पर कॉल करें, आप उनसे टाइम लें, एंड देन मीनवाइल आप जो आपको फॉर एग्जांपल इफ दे टेल यू कि जी 2 PM टेस्ट है, आप उससे पहले अपने बाकी साथ से टेस्ट करवाते रहें. उसमें आपका होता ये है कि आपका टाइम सेव होता है, बाकी आपको सारी इजीली आपकी चीज़ें हो जाती हैं. तो आपको सारा आपको जो मेडिकल है वो विद इन अ वीक हो जाता है. ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम होता है जिसमें ये मेडिकल होता है. अब इस मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ और आपको वो साइट पर लिखी हुई भी सारी नज़र आ रही होंगी. सबसे पहले होता है जी आपकी साइकेट्रिक इवेलुएशन आ जाती है, आपका ENT होता है, आपकी आईसाइट होती है, आपका EEG होता है, आपकी ECG होती है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड शुगर टेस्ट होता है, आपका चेस्ट एक्सरे होता है, और इसमें आपकी साथ साथ ऑडियोमेट्री होती है. ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं आईसाइट की, क्योंकि मुझे अक्सर मैसेजेस आए थे कि जी अगर हमारी आईसाइट जो है 6x6 नहीं है. अच्छा, इसमें होता यह है कि आपकी विथ और विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए. जिन लोगों की आईसाइट 6x6 वैसे नहीं है उनके लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया होता है कि जब वो फ्लाइंग के लिए जा रहे होते हैं तो वो अपने ग्लासेस जो हैं वो वेयर करना लाजमी होते हैं. उसके बग़ैर आप जो हैं वो फ्लाइंग नहीं कर सकते. अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ होती है जो बहुत सारे लोगों ने शायद मेंशन नहीं की हो या नहीं बताते हैं. इसमें जब आप आईसाइट के लिए जाते हैं तो वो आपका एक और टेस्ट भी करते हैं जिससे ये पता चलता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं. अच्छा जी, ये सारा मेडिकल प्रोसेस जो है ये क्लास 1 मेडिकल के अंडर आता है क्योंकि आप कर रहे हैं CPL. अब ये जब सारे आपके टेस्ट हो जाएंगे, इनके रिजल्ट लेकर आप जाएंगे सिविल एविएशन का जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पर, वो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी भेजेंगे सिविल एविएशन, वहाँ से आपका मेडिकल जो है वो इशू होगा. अब इसमें वेट वाला जो है, वेट आपका होता है BMI के अकॉर्डिंग जो आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए वो आपको अपना मेंटेन करना होता है. जो लोग थोड़े से ओवरवेट होते हैं उनके जो मेडिकल आता है उसके ऊपर लिखा होता है, मतलब उन्होंने मेंशन किया होता है टू रिड्यूस वेट. और जो अंडरवेट होते हैं उनका मेंशन होता है कि लाइक वो अपना वो जो BMI के अकॉर्डिंग वेट है उसे वो मीट करें. अच्छा जी, अब मेडिकल के बाद बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने चूज़ करना है अपना फ्लाइंग स्कूल. लेकिन फ्लाइंग स्कूल से पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या वो क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं. अच्छा जी, इसके लिए होता ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ इंटरमीडिएट. अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि हमने BSc किया है, हम एडमिशन ले सकते हैं, हमने मास्टर्स किया. मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है इन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, एंड ट्रस्ट मी मेरा कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है. और मेरा जो इंटरमीडिएट था वो ICOM था. बेसिकली मैंने ICOM किया था एंड देन उसके बाद मेरा मास्टर्स था और उसके बाद अभी मैंने ये ज्वाइन किया. साइंस सब्जेक्ट्स का इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने सिर्फ जो है जहाज़ वो सिर्फ आपने फ्लाई नहीं करना है, आपने प्लेन को फ्लाई नहीं करना है, आपको उसकी हर टेक्निकल चीज़ का पता होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, एयरक्राफ्ट जनरल नॉलेज जब हम उसमें आते हैं आपको मैग्नीटोज़ का भी पता होना चाहिए. आप मैग्नीटोज़ की भी बात कर रहे हैं तो मेरे जैसा बंदा जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो थोड़ा सा उसकी लर्निंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है. बट बात फिर वही आ जाती है कि अगर आप हार्डवर्क करें, आप एक चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, तो फिर आपने कहीं पर गिव अप नहीं करना. अगर आपको एक चीज़ का पैशन है कि यार ये चीज़ मैंने करनी है तो आप कर जाते हैं.
जो लोग बीच में गिव अप कर देते हैं वो तो फिर कहीं भी नहीं पहुंच पाते. तो आपने मेहनत करते रहना है और इंशाल्लाह ताला चीज़ें हो जाती हैं. अच्छा जी, अब हमने ये बात कर ली कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. मिनिमम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे आप डॉक्टर हैं आप तभी फ्लाइंग में आ सकते हैं. अब हम बात क्योंकि स्पेसिफ़िकली कर रहे हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस की. अच्छा जी, अब हमने बात कर ली है मेडिकल की भी एलिजिबिलिटी की, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फ्लाइंग स्कूल. मैंने कराची में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल विज़िट किए, मैंने लाहौर में भी किया, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट एयर ईगल एविएशन. एयर ईगल एविएशन को चूज़ करने की वजह और वीडियो में बताने की वजह यह है कि एयरफोर्स का इदारा है. व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट दिस इंस्टीट्यूट तो मुझे ये ट्रस्ट था कि मेरी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होगी, मेरी ग्राउंड क्लासेस भी बहुत अच्छी होंगी. और ऑब्वियसली मैंने इसी वजह से इस जगह को चूज़ किया और आई एम हैप्पी कि मेरी जितनी ट्रेनिंग हुई है, मेरी जितनी ग्राउंड क्लासेस हुई हैं, बाकी जगहों पर थोड़ा सा पढ़ाई पर और ग्राउंड क्लासेस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. खैर, हम अपनी बात करते हैं. तो अच्छा, जब आप फ्लाइंग स्कूल में आते हैं तो यहाँ पर आपको इनिशियली डिपॉज़िट करना होता है 270,000 और उसमें आपकी होती हैं ग्राउंड क्लासेस. ग्राउंड क्लासेस में आपके 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 आपके होते हैं CPL के और 2 होते हैं IR के. एंड दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आपके टोटल दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके पेपर्स होते हैं. आप साइट पर सारे के सारे जो सब्जेक्ट नेम्स हैं वो आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं. अच्छा जी, अब हमने ग्राउंड क्लासेस की भी बात कर ली. अब मीनवाइल जब हमारी ग्राउंड क्लासेस चल रही होती हैं तो हमारी साथ साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है. अब सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है हमारी IB स्पेशल ब्रांच और हमारा जो नज़दीकी कोई भी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से. इसमें होता ही है कि आपके बारे में कंप्लीट वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ पर रहे हैं, आप बाय बर्थ जहाँ से हैं वहाँ तक कॉल्स जाती हैं, वहाँ तक डिफरेंट लोग जाते हैं, उनके जो उनके नुमाइंदे होते हैं, एंड वो एक एक चीज़ आपके बारे में क्लियर करते हैं. वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके फ्लाइंग स्कूल में. अब फ्लाइंग स्कूल में जिस तरह से आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरमीडिएट के, या जैसे मेरा मास्टर्स था, वो सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जाते हैं सिविल एविएशन के पास फॉर योर SPL. एंड दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड देन जब आपका SPL इशू होता है तो आपकी प्रैक्टिकल फ्लाइंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, अब हम बात करते हैं CPL की. हम बात करें कमर्शियल पायलट लाइसेंस की, तो यहाँ तक आपके 3 बेसिक लाइसेंस होते हैं. सबसे पहला जो आपको इशू होता है वो होता है SPL, दैट इज़ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस. देन उसके बाद आपका होता है PPL, दैट इज़ प्राइवेट पायलट लाइसेंस. एंड फिर आपका इशू होता है CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस. अब जब आपका SPL इशू होता है तो PPL तक आपको अपने टोटल जो आवर्स कंप्लीट करने होते हैं वो होते हैं जी 40, जिसमें आपके कुछ सोलो आवर्स होते हैं और बाकी सारे आपके इंस्ट्रक्टर के साथ होते हैं. 40 आवर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 40 के बाद आपको 110 और कंप्लीट करने होते हैं फॉर CPL. एंड देन CPL के बाद आपको 40 और चाहिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए, जिन्हें IR बोलते हैं. अच्छा जी, अब आपके CPL तक टोटल जो आवर्स होते हैं वो हो जाते हैं 190. तो आपको 190 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं. मीनवाइल आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं. अभी चूंकि एग्ज़ाम्स बंद हैं तो जैसे मैंने अपना PPL कंप्लीट किया, PPL के बाद एक मेरा इंटरव्यू हुआ जो कि एक ओरल एग्ज़ाम था, मैंने वो क्लियर किया. देन वो क्लियर करने के बाद फिर मेरा फ्लाइंग चेक हुआ. फ्लाइंग चेक के बाद मैंने फिर एक ELP था, ELP दिया. एंड देन अभी मेरे जितने PPL डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिविल एविएशन में गए हुए हैं. एंड मीनवाइल मैंने अपनी जो CPL की फ्लाइंग है वो मैंने स्टार्ट कर दी है. तो ये प्रोसेस होता है जी CPL तक का. अच्छा जी, अब हम मेन बात करते हैं कि CPL तक आपकी टोटल कॉस्ट जो है, जो आपको एक अमाउंट पे करनी है अपने फ्लाइंग स्कूल में, वो क्या है. तो जी CPL तक आपको टोटल ऑलमोस्ट पे करना होता है 43 million. इसके अंदर आप, मैंने बहुत सारी जगहों पर मेंशन किया था ऑलमोस्ट 4.5, मैंने इस वजह से मेंशन किया था कि आपके बहुत सारी जो मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं. अच्छा, अब ये जो अमाउंट है ये आपका इसमें एग्ज़ाम का कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ना इसमें आपका जो मैंने मेंशन किया है ELP के आपको अलग से 9,000 देने होते हैं, ना वो इंक्लूड है, ना जब आपका PPL के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो अमाउंट भी इंक्लूड नहीं है. तो इस वजह से मैंने एक राउंड ऑफ कर दिया था, उसे 4.5 कह दिया था. अच्छा जी, अब आपका होता ये है कि स्टार्ट में आप 270 जो है वो आप पे करते हैं ग्राउंड क्लासेस के लिए. उसके बाद आपका SPL इशू होता है. फिर जैसे जैसे आप फ्लाइंग करते रहते हैं आप वो पे करते रहते हैं. अब आपको CPL तक की फ्लाइंग कंप्लीट करनी होती है इन 2 ईयर्स,
ठीक है, तो आपको 2 ईयर्स के अंदर ये सारी अमाउंट जो है ये पे करनी होती है। फिर जैसे आपका PPL चेक हो गया, PPL के बाद आपने ELP का पेमेंट कर दी, एंड देन आपने PPL के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए अपनी पेमेंट कर दी, देन आपका CPL स्टार्ट हो गया। अब इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं ऐड करूँगी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जैसे अभी जुलाई में हमारा इंक्रीज़ हो गया था, पहले हम लोग जो पे कर रहे थे एक अमाउंट, उसे इंक्रीज़ होकर अब वी आर पेइंग 21,500 ऑलमोस्ट पर आवर। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ रखिए कि 4.5 मिलियन है, और जब आप इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहे हैं तो काइंडली इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा जी, और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कहें कि जी चलें एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब जी सब ख़त्म हो गया, अब हम मज़े से पायलट बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जब आप एयरलाइन में जाते हैं तो आपके चेक्स होते हैं, आपका एग्ज़ाम जो है आपका थोड़े टाइम के बाद रिन्यू होता है, आपका लाइसेंस, आपको वो भी लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है, देन हर साल आपको जो है अपना IR जो है 1 घंटा आपको फ्लाई करना होता है और आपका वो रिन्यू होता है, तो आपकी ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो अपने माइंड में मैं डिस्करेज नहीं कर रही बिल्कुल भी, बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेहनत छोड़नी नहीं है। ये नहीं सोचना कि भाई अब तो एक जगह पर हम आ गए हैं, एक सर्टन गोल हमने अचीव कर लिया, तो अब बस अब मेहनत नहीं करनी। मेहनत आपको थ्रू आउट करनी है। देखिए बात यह है कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो फिर तो आप मेहनत करते हैं, और मेरे जैसा इंसान अगर मेहनत कर सकता है तो मेरे ख्याल से आप सब लोग भी मेहनत कर सकते हैं। सो अभी आई होप कि मैंने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आप लोगों के काम आएगी। अच्छा जी, मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर मैं अपनी डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर कॉमेंट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो जो वीडियोस अपलोड करूँ और सबकी अपडेट आपको आती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक दफ़ा फिर मैं यही बात करूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, एंड आप लोगों को जो भी चीज़ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।